हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भोला सा डीजल मैकेनिक में। फ्रेंड, आज हम आए हुए हैं टाटा BS4 सिग्ना गाड़ी पे। जो इस गाड़ी में प्रॉब्लम ये हो रहा है, एक्सीलेटर जो है हमारा छोड़ पकड़ कर रहा है, यानी हमारा कभी कभी एक्सीलेटर छोड़ दे रहा है। तो इसी के चक्कर में हमने इनलाइन मिनी लगाया और उसमें हमको फोल्ड कोड क्या मिला, 559 का फोल्ड कोड। तो हम इसी फोल्ड कोड के बारे में बात करेंगे और जानेंगे। और दूसरा जो कोड है हमारा 241 का, 241 का, जो कि इनएक्टिव में बार बार आ रहा है। तो उसको अगर इनएक्टिव में आ रहा है तो उसका प्रॉब्लम को बताएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने हार्नेस खोल लिया है, कॉमन रेल का हार्नेस जो हमारा आता है, तकरीबन बहुत से गाड़ियों में पीछे ही आता है, मेरे हिसाब से तो पीछे ही आता है। तो इसका हार्नेस खोल लिया हमने, इसमें वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि हमारा वोल्टेज जो है सप्लायर सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और आप लोगों को भी दिखा देते हैं। तो देखिए, एक पॉइंट में जो है हमारा 5.1 आ रहा है, चलिए वोल्टेज हमारा सही है। अब दूसरे पॉइंट में देखेंगे कि हमारा दूसरे पॉइंट में जो है कितना आ रहा है, ये देखिए 4.6। चलिए यहाँ पे भी वोल्टेज हमारा सही है, वोल्टेज के मामले में तो सही है। और जो तीसरा पॉइंट है उसमें 0 रहेगा। तो यहाँ पे वोल्टेज का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुका है। और आपके पास मल्टीमीटर हो तो बहुत अच्छी बात है, मल्टीमीटर कोई ज़्यादा का नहीं आती है, आता भी नहीं है काफ़ी ज़्यादा का, 150-200 का आता है मल्टीमीटर। आप जिस हिसाब से लेना चाहेंगे उस हिसाब से आपको मिल जाएगा। तो ये वोल्टेज तो हमारा सही आ रहा है। अब बात करते हैं इसमें कौन से वायर में कितना वोल्टेज आएगा। ये देखिए, 3 वायर है, 3 पिन का है और 3 हमारे वायर हैं। रेड कलर की जो वायर है उसमें हमारे का वोल्टेज मिल रहा है 5.1। अब दूसरा वायर है वाइट, जो वाइट कलर का वायर है हमारा, उसमें हमारा 4.7 वोल्टेज आया और ब्लैक कलर में 0 आया। तो ये तीनों वायर के बारे में आप लोगों को मैंने बता दिया, एक बार फिर से बोल देता हूँ कि रेड में हमारा 5.1 मिला हमको और वाइट कलर में जो वायर था उसमें हमारा 4.67 मिला हमको, और ब्लैक कलर की वायर जो थी हमारा उसमें 0 था। तो इसके चक्कर में क्या है, वोल्टेज तो हमारा सप्लायर सही है, ये क्या होता है 559 का जो फोल्ड कोड है हमारा, ज़्यादातर हमारा किस लिए आता है, क्योंकि जो हार्नेस है हमारी लूज हो जाती है। अब लूज जब हो जाती है तो वो बार बार एक्सीलेटर को छोड़ पकड़ करती है और उसके कारण हमारा ये 559 का फोल्ड कोड आने लगता है। तो इसी को अगर, जैसे कि ये फोल्ड कोड को अगर कैंसिल करना है, जैसे कि हटाना है इसको, जड़ से ख़त्म करना है, तो आप लोग ये देखिए, ये जो मैंने वायरें छील कर रखी है, जो हमारी वायर जो आती है उसको छीलना है, और उसको पता ही आपको कि एक भाग में आती है वो, तो उसको डबल कर लेना है, डबल करके उसको थोड़ा सा मोड़ लेना है और मोड़ कर इसमें डाल देना है। इससे क्या होगा, आपका हार्नेस हमारा जाम हो जाएगा। इसको हम जाम करने के लिए वायर को डालते हैं ताकि हमारा हार्नेस लूज होने के कारण ये एक्सीलेटर जो छोड़ पकड़ करता है वो ना करे, ठीक है। और जो ये हमारा जो कोड आ रहा है बार बार 559 का, वो हमारा सही हो जावे। तो चलिए, ये हमारा तो कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं दूसरे फोल्ड कोड के ऊपर, जो हमारा बार बार इनएक्टिव में आ रहा है। तो ये इनएक्टिव में अगर आता है बार बार 241 का फोल्ड कोड, तो किस कारण से आता है, तो ये वायरों के बारे में बता दें। जो हमारी वायर है रेड में 5 वोल्ट और वाइट कलर का जो वायर है हमारा 4.6 आया और ब्लैक कलर में 0 हमको मिला। तो चलिए इसका कवर लगा देते हैं और इसको कंप्लीट करके उसके बाद चलेंगे हम हमारा किलोमीटर सेंसर के पास में। तो जो 241 का बार बार फोल्ड कोड अगर आ रहा है आपके पास इनएक्टिव में, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, किलोमीटर सेंसर हो न्यू डाल दीजिए, वोल्टेज पहले चेक कर लीजिए कि वोल्टेज हमारा सही आ रहा है कि नहीं, उसके बाद जो है किलोमीटर सेंसर आपको डालनी चाहिए। अगर बार बार ये कंडीशन में आ रही है, बार बार क्या होता है इनएक्टिव में आ रहा है, बार बार इनएक्टिव में आ रहा है, हम लोग उसको रिसेट कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं, फिर भी हमारा इनएक्टिव में आ रहा है, तो इसको आपको सही करना चाहिए, ठीक है। इसमें रेड वायर की जो होगी उसमें हमारा 24 वोल्ट आएगा, एक वायर में 3 पॉइंट आएगा और दूसरे में 0, तीसरे में 0 आएगा। तीन, इसमें 3 वायर हैं, 3 वायर में से रेड कलर की वायर में
24 वोल्ट आएगा, ठीक है। अब उसमें 24 वोल्ट आ रहा है तो हमारे को दूसरे वायर में देखना है कि उसमें 3 वोल्ट मिलना चाहिए, बाकी में एक में 0 आएगा। तो ये हमारा जो है वोल्टेज तकरीबन सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हम ये हमारा सेंसर के बारे में, किलोमीटर सेंसर जो हमारा आता है उसके बारे में। तो उसको क्या है, बार बार अगर इनएक्टिव में आ रहा है, बार बार इनएक्टिव में आ रहा है, तो उसको आप करने के लिए, आपको अगर ख़त्म करना है उसको, तो उसके लिए आपको ये सेंसर चेंज करना चाहिए। अभी हम लोग लेकर आए हैं, दूसरी गाड़ियों का खोल कर हम लाए हैं, हमारे पास अभी रात का समय है तो हमारे पास तो है या नहीं अवेलेबल अभी, तो हम इसके लिए क्या किए हैं, दूसरे गाड़ी का हम लोग खोल के लेकर आए हैं, ठीक है, जिससे कि हमारा जो दूसरे गाड़ी का है हम खोल कर इसमें डाल देंगे। ये दूसरे गाड़ी का हम लोग खोल कर लाए हैं, इसको कंप्लीट करेंगे। जो ये बार बार 241 का फॉल्ट कोड हमारा इनएक्टिव में आ रहा है बार बार, और हम लोग उसको रिसेट कर रहे हैं यानी क्लियर कर रहे हैं, और फिर भी वही तकलीफ़ है, तो इससे तो अच्छा है हमको सेंसर चेंज करना चाहिए ना। तो इसके लिए हम लोगों ने सेंसर चेंज करने का निर्णय लिया, ताकि हमारा जो ये फॉल्ट कोड बार बार 241 का आ रहा है वो हमारा सही हो जाए। तो ये हमारा जो पहले हमारी गाड़ी में लगी थी, और ये हमारा जो लेकर हम लोग आए थे, तो ये हो गया कंप्लीट। अब इसका हार्नेस जो है हम लोग लगा देंगे, उसके बाद हम चलेंगे मीटर बॉक्स के पास में, जो कि मीटर बॉक्स में देखते हैं उसमें हमारा कोई बत्ती आ रही है कि नहीं, एमआईएल बत्ती जो आती है वो आ रही है कि नहीं आ रही है। तो यहाँ पे फ्रेंड हमारी गाड़ी चालू है, स्टार्टिंग में है, आइडल पोजीशन में है, और कोई बत्ती नहीं आ रही है, सिर्फ एक ABS का बत्ती आ रहा है, बाकी कोई बत्ती नहीं आ रही है। तो एमआईएल बत्ती बार बार आने का कारण यही होता है। एमआईएल बत्ती क्या होता है कि जैसे कि 241 का फॉल्ट कोड आ रहा है बार बार, अब वो एमआईएल बत्ती आएगा जाएगा आएगा जाएगा, वही इनएक्टिव में पैदा करता है उसको। अब मैं इनलाइन मिनी को लगाता हूँ और इसमें फॉल्ट कोड देख लेता हूँ कि हमारे रिसेट मतलब यानी इनएक्टिव में आया है कि नहीं आया है। अगर किसी फ्रेंड को डाउट होगा तो मुझे इंस्टाग्राम पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन घंटी को ऑल पे प्रेस करना, ताकि नोटिफिकेशन हमारा आपके पास मिलता रहे, नई वीडियो के अपडेट आप लोग के पास मिलती रहे। तो हम लोग इसमें मोबाइल में कनेक्ट कर लेते हैं, मोबाइल में कनेक्ट करने के बाद हम देख लेते हैं इसका फॉल्ट कोड। ये देखिए 559 दो बार आया हुआ है, 241 दो बार आया हुआ है, और 451 जो है हमारा 5 बार आया हुआ है। तो ये 559 के कारण ये 451 हमारा आता रहता है साथ में। तो कभी भी ऐसा आप लोगों के पास होता है कि 559 का फॉल्ट कोड आ रहा है, तो पहले तो आपको वोल्टेज चेक कर लेनी चाहिए, और दूसरे उसके बाद क्या करना है आपको कि जो मैंने बताया वायर जो हमारी है, वायर छील कर उसमें उसको लपेट कर और डाल देना है उसमें, उसको हमको जाम करना है। जब तक हार्नेस हमारा जाम नहीं रहेगा तब तक हमारा फॉल्ट कोड आता ही रहेगा, वो क्या होता है लूज हो जाता है, और लूज होने के कारण ही ऐसा प्रॉब्लम आने लगता है। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय ऑल फ्रेंड।